जैसा कि आप भी जानते हो, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई भी खुल के बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन एड्स से जुड़े कई ऐसे मिथ हैं जिसके बारे में जानना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम एड्स से जुड़े कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिसको लोग सच मान लेते हैं। हकीकत में लोगों को एड्स के बारे में कई सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं जिसको हम एक एक करके सारी बातों को क्लियर करेंगे। वैसे आप भी जानते हो, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि कोशिकाओं पर हमला करता है, जिसके चलते व्यक्ति अन्य संक्रमण और बीमारियों की चपेट में आ जाता है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल वर्ल्ड एड्स डे की थीम भी रखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके बाद वहां से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन एड्स को लेकर लोग कई तरह के सवाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज भी इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि लोग एड्स से जुड़े गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। लोग एड्स से लक्षणों को पहचान नहीं पाते और अफवाहों पर विश्वास करने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मिथ के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, मच्छर के काटने से HIV फैलता है। जिस व्यक्ति को एड्स है, अगर उसको काटा हुआ मच्छर भी किसी इंसान को काट लेता है तो उससे एड्स नहीं फैलता। मच्छरों के कई तरह की बीमारियां होने की खतरा जरूर बना रहता है, लेकिन HIV इससे फैलता नहीं है। नंबर 2, आपको किसी से भी HIV हो सकता है या किसी से भी फैल सकता है, लेकिन ये सच है कि वायरस सिर्फ HIV पॉजिटिव व्यक्ति से दूसरों में फैलता है। अनसेफ सेक्स, इस्तेमाल की हुई सिरिंज, संक्रमित खून चढ़ाने या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से HIV फैल सकता है। नंबर 3, टैटू बनवाने या पियरिंग से HIV या एड्स हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब टैटू या पियरिंग आर्टिस्ट HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई सुई को बिना साफ किए आप पर इस्तेमाल करें। हालांकि इससे बचने के लिए सभी आर्टिस्ट हर नए क्लाइंट के लिए नई नई सुई इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, किस करने से फैलता है एड्स। यह पूरी तरीके से झूठ है। पॉजिटिव पीढ़ी के सलाइवा से बहुत ही कम मात्रा में वायरस होता है, इसलिए किस करने से सामने वाले व्यक्ति में एड्स कभी भी नहीं फैल सकता। नंबर 5, जूठा भोजन करने से HIV या एड्स हो सकता है। यह सवाल कई सारे लोगों के मन में वहम पाला हुआ है कि किसी का जूठा खाने से HIV या एड्स फैल सकता है। हालांकि ऐसा कभी भी देखने नहीं मिला है और रिसर्चर भी बताते हैं कि किसी का जूठा खाने से HIV या एड्स नहीं हो सकता। अब बेफिक्र होकर किसी का भी जूठा खा सकते हैं, चाहे वो HIV पॉजिटिव ही क्यों ना हो। नंबर 5, HIV पीड़ित के पास रहने से नहीं हो सकता HIV या एड्स। यह वायरस हवा से भी नहीं फैलता है, तो ऐसे में अगर HIV पीड़ित आपके पास छींके और थूके तो आप इसके वायरस में चपेट में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, HIV पीड़ित को छूने, उसे गले लगाने और हाथ मिलाने से भी वायरस नहीं फैलता। ये सभी बातें एक मिथ ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको HIV से जुड़े ये मिथ पसंद आए होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।